विराट कोहली ने अपना आखिरी शतक टेस्ट क्रिकेट में लगाया था साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ, और उस टीम में बांग्लादेश के मेन बॉलर्स नहीं थे। उसके बाद विराट कोहली ने 23 टेस्ट मैच खेल लिए हैं, 41 पारियां खेली हैं, हाईएस्ट स्कोर रहा 79 का, एवरेज है इस वक्त 25.50 का पिछले 23 टेस्ट मैचों में, और ये दिखाता है कि विराट कोहली कितनी ख़राब फॉर्म से गुजर रहे हैं, और जितने मौके उनको मिले बिना सेंचुरी के टेस्ट क्रिकेट में उतने किसी को नहीं मिलेंगे। केएल राहुल जो टीम से बाहर हो गए हैं खराब फॉर्म की वजह से, उन पर निशाना साधा जा रहा था, उनका प्रदर्शन पिछले 3 सालों में टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली से अच्छा है, हालांकि बहुत ही अच्छा नहीं है। केएल राहुल का एवरेज भी 30 का है और उनकी जगह पर अब शुभमन गिल को मौका मिला है। वहीं पुजारा का भी प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर तीनों में सबसे खराब प्रदर्शन किसी का रहा है तो वो विराट कोहली का। अब जब केएल राहुल टीम इंडिया से बाहर है, ऐसे में सारा का सारा फोकस विराट कोहली पे आएगा और उनकी खराब परफॉर्मेंस की ट्रोलिंग होगी, उनको खराब परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिसाइज किया जाएगा क्योंकि अब केएल राहुल टीम में नहीं है। ऐसे में अगर विराट कोहली चौथे टेस्ट मैच में भी अच्छा नहीं खेलते हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी अच्छा नहीं खेल पाते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि विराट कोहली का टेस्ट करियर वहाँ पे खत्म हो जाएगा। और डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को मौके मिलने लगेंगे, तो ये कहना इस वक्त ऐसी हालत में बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर विराट कोहली फॉर्म में नहीं आते अपने अगले 2 टेस्ट मैचों में, जो कि चौथा टेस्ट मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, तो वो विराट कोहली के करियर का आखिरी टेस्ट मैच साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।